नेम इज़ दिनेश, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। वैसे तो ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी न्यूज़ होंगी, अपडेट्स होंगी और अलर्ट भी होंगे कि मार्केट आज डाउन जा रही है, काफ़ी डाउन जा रही है। और मॉर्निंग से ही आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारी रिक्वेस्ट रिगार्डिंग मैनी थिंग्स आप पोस्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बना देनी चाहिए और आपको बता देनी चाहिए और सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देने चाहिए, जितने भी डाउट्स आपके जो हैं मैसेजेस के थ्रू मेरे पास आए हैं। तो चलिए चलते हैं टर्मिनल के ऊपर और बात करते हैं जो भी क्वेश्चंस आपने पोस्ट किए हैं। तो हाँ, बिल्कुल क्लियरली मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मॉर्निंग से सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आया था कि जिन्होंने बाय किया है तो वो ये बोल रहे थे कि सर हमने बाय किया है और मार्केट हमें अलाउ नहीं कर रही है कि हम अपनी पोजिशन को एग्ज़िट करें, राइट। दूसरा ये था कि जिन्होंने सेल किया हुआ था, जो लोगों ने मुझे पोस्ट किया कि आपने लास्ट वीडियो में बोला था कि मार्केट नीचे जाएगी, तो हमने सभी ने सेल किया हुआ है पर, और इवन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को भी मैंने रिकमेंड किया था कि मैं क्रूडबुल चैनल को फॉलो करता हूँ, उन्होंने कहा है कि प्राइस और नीचे जाएगा तो मैं तो सेल कर रहा हूँ। उन्होंने भी मतलब मेरी सजेशन के ऊपर जो है सेल किया, पर अब हम प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉफिट हमें शो तो कर रहा है हमारी इसके ऊपर, मगर हम अपने प्रॉफिट को बुक नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कुछ, इन दोनों क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। देखिए होता क्या है कि सर्किट ब्रेक, जब भी सर्किट ब्रेक होता है मार्केट, जैसे ही मान लीजिए ओपन हुई और मार्केट जैसे ही ओपन हुई मान लीजिए सर्किट ब्रेक हुआ, राइट, जो भी लोअर सर्किट था, तो होता क्या है मार्केट 15 मिनट के प्रीसेशन में चली जाती है और 15 मिनट के प्रीसेशन में जाने के बाद वापस मार्केट फ्रेश ओपन होती है जिस तरीके से ओपन होती है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप डायरेक्टली NSE इंडिया की वेबसाइट पर जा सकते हैं और सर्किट ब्रेक किंग के जो रूल्स हैं वो आप देख सकते हैं कि उसमें जो आपको तीन टाइम फ्रेम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स मिलते हैं कि मॉर्निंग टाइम फ्रेम में अगर सर्किट ब्रेक होता है तो कितने मिनट का प्री सेशन मार्केट जाता है, उसके बाद आफ्टरनून में अगर जाता तो कितना और इवनिंग में जाता तो कितना, तो वहाँ पर बिल्कुल आपको क्लियरली इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो आप पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, अब आप अगर नहीं बुक कर पा रहे हैं तो उसका रीज़न ये है कि आप नहीं कर पाएंगे बुक, क्योंकि वैसे तो आज वैसे ही ऑलरेडी मार्केट में जितने भी प्लेयर्स बैठे हैं, यानी कि मार्केट में खासकर अगर आप बड़े प्लेयर्स की बात करें तो अगर हम ज़रोदा का नाम लें, ज़्यादातर लोग ज़रोदा में अपना अकाउंट रखते हैं और बड़ी ही तारीफ़ करते हैं कि भाई मतलब नॉर्मली सभी के अकाउंट ज़रोदा में ही वही यूज़ करते हैं, लोग बोलते हैं बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है बाकी जो भी है। तो सबसे पहली बात तो ज़रोदा का सुबह ही मैसेज आ गया था, आपके पास भी आ गया होगा कि उन्होंने टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर अपने सारे के सारे जो कंट्रोल है वो खुद ले लिया, यानी कि ना तो आप बेच सकते हैं ना तो आप खरीद सकते हैं। ट्विटर पे आप जाके देख सकते हैं, इनका ट्वीट आया हुआ है रिगार्डिंग कि हम कोई भी पोजीशन को जो है हम आपको उसमें ऑर्डर नहीं लगाने देंगे जब तक कि मार्केट नॉर्मल ना हो जाए। दूसरी चीज़ जो मुझे इनकी बिल्कुल पसंद नहीं आई कि नहीं यार तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है तो तुम उसको करने दो ना प्रॉफिट बुक, दिक्कत क्या है। अगर किसी को लॉस हो रहा है तो हो ही रहा है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, और किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो उसको होने दो प्रॉफिट। तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। दूसरी चीज़ क्या पसंद नहीं आई कि देखिए होता है क्या, जब तुमने 20, वैसे तो तुमने बोला हुआ है कि मार्केट का हम 20 डेप्थ दिखाएंगे, तो अब कहाँ है 20 डेप्थ, मतलब कि जब इंसान को कब जरूरत होती है, जब इंसान प्रॉफिट में तो होता है तब उसको कभी भी मार्केट डेप्थ की नीड नहीं होती, जब वो लॉस में जा रहा है मार्केट बहुत वोलेटाइल है तो उसको जरूरत पड़ती है देखने की कि मार्केट कहाँ जा सकती है। अब कहाँ गया तुम्हारा मार्केट डेप्थ, नहीं दिखाओगे। क्यों नहीं दिखाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम अभी मार्केट डेप्थ दिखाओगे तो नीचे के ऑर्डर से पता चल जाएगा कि मार्केट के जो बहुत बड़े प्लेयर हैं वो करना क्या चाहते हैं, क्या यहाँ से मार्केट को गिराना चाहते हैं या फिर मार्केट को यहाँ से और ऊपर लेके जाना चाहते हैं, वो आप नहीं दिखाओगे, ये गलत बात है। अगर रूल होते हैं तो सभी के लिए होते हैं। अब आपको अगर ये बंद ही करना था 20 मार्केट डेप्थ का तो आपको सभी में करना चाहिए था, आपने यहाँ क्यों दे दिया फिर व्यू 20 डेप्थ, और जब क्रूड आज गिर रहा है तो यहाँ पर आपने क्यों नहीं दिया, यहाँ पर आपने 20 डेप्थ का ऑप्शन क्यों नहीं दिया, इसीलिए नहीं दिया क्योंकि सबको पता चल जाता है कि नीचे मार्केट जो प्लेयर्स बैठे हैं वो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स किस साइड लगा के बैठे हैं और मार्केट वहाँ से आइडेंटिफाई हो जाती है ईजिली कि मार्केट किस साइड जा सकती है, तो आपने ये भी चोरी की है हमारे साथ, राइट। तो इसीलिए आप लोगों को मना करता हूँ, ये ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इनका ही हाल है, बाकी कंपनीज़ का भी यही हाल है। इसीलिए मुझे सीरियसली, मेरे पास सारे ही हैं, ज़रोदा भी, आप स्टॉक भी है, एलिस ब्लू भी, मैं सभी यूज़ करता हूँ, पर मुझे इसीलिए ये सब पसंद नहीं आता क्योंकि जब चीज़ होनी चाहिए तो सभी के लिए होनी चाहिए, नहीं होनी तो चाहिए तो नहीं होनी चाहिए, राइट। तो देखिएगा ये था दूसरा, यही रीज़न है कि आपका जो क्वेश्चन था कि हम अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे हैं, तो जिनके अकाउंट्स यहाँ पर है तो वो आप नहीं बुक कर पाएंगे प्रॉफिट, और जब मार्केट नॉर्मल भी हो जाएगी तब भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी मार्केट नॉर्मल हो गई है, मार्केट के अंदर ऑर्डर्स आना चालू हो गए हैं, अगर आप डेप्थ देखेंगे 5 डेप्थ देखेंगे तो मार्केट में बाइंग ऑर्डर आना चालू हो गए हैं, तो यानी कि आपको अगर सेल करना था अपना प्रॉफिट बुक करके तो आप यहाँ पर सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अब आप कर सकते हैं।
अब अगला क्वेश्चन क्या था कि मार्केट में क्या हम बाय कर सकते हैं, तो देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं, यही ज़िंदगी में आप अपना नुकसान करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि जिस डायरेक्शन में हवा बहती है उसी डायरेक्शन में अगर कोई पंच जो भी है जो उड़ने वाला यू नो पक्षी है, अगर वो उसी डायरेक्शन में उड़ता है तो वो उसको बहुत हेल्प मिलती है और बहुत लंबे डिस्टेंस तक जा सकता है, मगर आप अगेंस्ट द विंड उड़ेंगे तो आपके जो है पर जो बोलते हैं ना आपके पंख जो है वो मतलब उनको नुकसान भी हो सकता है। तो सेम यहाँ पर है कि अगर आप अगेंस्ट द विंड जाएंगे, अगेंस्ट द यू नो ट्रेंड जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिस्क बहुत बड़ा इन्वॉल्व होता है, और ये कोई मार्केट को पढ़ने का तरीका नहीं होता कि मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गिर गई है तो उसको बाय कर लो, राइट। और क्या आपके पास कोई ऐसा मतलब न्यूज़ अलर्ट या कुछ ऐसा है जिससे कि ये पता चल पाए कि हाँ मार्केट अब यहाँ से ऊपर चली जाएगी, है आपके पास? नहीं है, तो फिर क्यों रिस्क ले रहे हो भाई? कल मार्केट अगर 400 पॉइंट और गिर गई तो क्या तुम्हारे पास उतना पैसा है 40,000 रुपये अकाउंट में कि आप 400 पॉइंट का लॉस ले सको, राइट? अभी मार्केट पूरे दिन में 1,000 पॉइंट गिर गई है, वापस अब 2,218 पे आ गई है, और नीचे कहाँ तक गई थी मार्केट अगर हम इसका लो देखें तो, अगर आप इसका लो देखेंगे तो 151 पे गई थी। तो क्या आपके पास है इतना पैसा? मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो जितने भी लोग कॉल करते हैं सारे रोते रहते हैं, पैसा डूब गया, मर गया, बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो कहाँ है पैसा? पर अगर गलती से भी 400 पॉइंट मार्केट यहाँ से गिर गई या 200 भी गिर गई तो तुम्हारे पास 20,000 रुपये भी नहीं है अफोर्ड करने के लिए, तो क्यों इतना फड़फड़ा रहे हो भाई? ना तो यहाँ पर मैं अब आपको क्या रिकमेंड करूँगा, ना तो मैं सेल रिकमेंड करूँगा, ना मैं बाय रिकमेंड करूँगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन तो ऑलरेडी निकल चुकी है। मैंने तो आपको 3500-3600 पे जब प्राइस था, सॉरी 3700 पे जब प्राइस था, मैंने तो तब बोला था कि अब पोजीशन है, बाय कर सकते हो, सॉरी सेल कर सकते हो। फ्राइडे को मैंने कितने पे बोला था आपको? आराम से आज 1,000 पॉइंट मार्केट गिर गया, तकरीबन 3300 पे मैंने आपको बोला था कि सेल कर सकते हो आप, मार्केट प्राइस नीचे जाएगा तब करना चाहिए था। अब जब ऑलरेडी मार्केट 1,000 पॉइंट गिर गई है तो आप सेल करोगे तो भी बेवकूफ़ी, अगर यहाँ से बाय करोगे तो भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि मार्केट और भी गिर सकती है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मार्केट क्रूड जो है 2200 रुपये पे आ गया, अगर आप ये सोच के बैठे हो कि ये तो बहुत नीचे आ गया, अब तक मैंने देखा ही नहीं, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि ये तो कभी मार्केट के अंदर इस तरीके से नहीं सोचा जाता कि इससे नीचे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकता? कोई भी कंट्री अगर तेल यूज़ ही नहीं करेगी तो वो पड़ा रहेगा, तो क्या आप अपने माल को बेचते नहीं हो? आप मार्केट में जाते हो, सब्जी मार्केट में जाते हो, वहाँ से आप वेजिटेबल मार्केट्स में जाते हो, अगर किसी चीज़ की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है और लोग खरीदने वाले कम होते हैं, तो आपके टमाटो हैं कुछ भी है, तो क्या 2-2 रुपये में नहीं किलो बिकते हैं? ठीक है, टाइम आता है कभी, जो हमारी ऑनियन होती है अभी 100-100 रुपये भी बिकती है, टमाटर जो है हमारे कभी कभी 60-60 रुपये किलो बिकते हैं, तो क्या आपने कभी उनको 2-2 रुपये किलो नहीं बिकते हुए देखा? हर साल में ही, हर साल की यही कहानी है, कभी वो 2-3 रुपये किलो भी बिकते हैं, 10 रुपये भी किलो बिकते हैं, और कभी 80 रुपये किलो भी बिकते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन जो है अपना डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं जा सकता। येस बैंक गया ना कि गया कि नहीं गया? क्या सोचा था येस बैंक को किसी ने कि 350-400 रुपये के रेट की चीज़ जो है 30-20 रुपये पे आ जाएगी? नहीं सोचा था ना। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट में कभी भी ये कहना, सबसे बड़े बेवकूफ़ होते हैं वो जो ये कहते हैं कि बहुत नीचे आ गया, अब इससे नीचे तो क्या जाएगा? नहीं, इससे नीचे भी बहुत नीचे जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नीचे नहीं जा सकता। तो इस तरह की गलती मत करें आप, अपने जुआ मत बनाएं, आप इसको जो है ना कैसीनो मत बनाएं कि हाँ भाई ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, या अगर आपको ये कैसीनो टाइप या फिर ये सट्टा ही खेलना है तो आप क्रिकेट मैच पे कीजिए। आप मार्केट नीचे चलेगी तो क्या मतलब कि हाँ विराट कोहली जो है पिछले 10 मैच में रन नहीं मारा तो इसमें भी नहीं मारेगा, राइट? ये क्या हो, 2 सिंगल प्रोबेबिलिटीज़ पे आप खेल रहे हैं, मतलब ये सट्टाबाजी चल रही है क्या यहाँ पर कि हाँ भाई कोई चीज़ है तो वो जाएगी या नहीं जाएगी? ऐसा नहीं होता। आपके पास अगर प्रॉपर इंडिकेशन है किसी चीज़ के, आपको कोई लगता है कि आपके पास प्रॉपर कुछ इंडिकेट्स कर रहे हैं, कोई आपके इंडिकेटर्स हैं, कोई आपकी कोई थ्योरी है या कुछ भी है, अगर वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट जो है बाय की तरफ जा रही है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द बाय। पर अगर नहीं है तो चुपचाप अपना पैसा अपने पास रखो, चुपचाप बैठ के तमाशा देखो, और जब आपके पास इंडिकेशन आए मार्केट गिर रही है तो या ऊपर जा रही है तो, पर जब आपके पास प्रॉपर इंडिकेशन आए बाय की या सेल की, तब आप उसके हिसाब से पैसा लगाएं। इस तरीके से कभी पैसा नहीं लगाया जाता कि मार्केट गिर रही है तो बाय कर लीजिए और ऊपर जा रही है तो सेल कर दीजिए, और यही करते करते आज तक आप बर्बाद होते आए और अभी भी सेम गलती ही कर रहे हैं। और आपको मैं क्लियरली बता दूं कि जो यहाँ पर अगर आज आप रिस्क ना लें तो ही अच्छा है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत गिर चुकी है, तो मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होगी वो भी बड़ी बड़ी होगी, और छोटी फ्लक्चुएशंस तो होने से रही, राइट? और जनरली
ऐसा नहीं है कि प्राइस ऊपर नहीं जा सकता यहाँ से। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि चलो इंट्राडे के अंदर ही हम क्या करते हैं, यहाँ से बाय करते हैं, कुछ प्राइस ऊपर यहाँ से जाएगा और यहाँ से कुछ हम पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो देखिए वोलेटाइल मार्केट में तो कर भी सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है कि आपने बाय किया ऊपर चली गई, पर क्या भरोसा है, अभी मार्केट ऑलरेडी 50 पॉइंट ऊपर आ गई, क्या पता वापस एकदम से नीचे चला जाए। तो कहने का मतलब ये है सर कि अगर जेब में से 1000 रुपये भी जा रहे हैं तो 1000 रुपये तो आपके ही जा रहे हैं, किसी और के तो नहीं जा रहे हैं, राइट? तो जब जब आपके ही जा रहे हैं तो फिर क्यों रिस्क ले रहे हो? आप ऐसी पोजीशन बना के घुसिए ना जहाँ पर आपको प्रॉफिट होने के चांसेस तकरीबन तकरीबन मोर देन 75% तो हों, किसी लॉजिक के साथ तो घुसिए। बिना लॉजिक के आप कैसे घुसेंगे? बिना लॉजिक के तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर घुसना भी चाहिए, राइट? तो मैं आपको हमेशा यही सिखाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा नहीं चलता। सुबह से आप लोग मैसेज किए जा रहे हैं, इवन ऐसा नहीं कि मैं पेड मेंबर्स को बोल रहा हूँ, फ्री मेंबर्स हैं या जो भी सब्सक्राइबर्स में हैं वो भी क्या बाय करें क्या बाय करें क्या बाय करें। पहली बात तो आप लोगों को मुझे मैसेज नहीं करना चाहिए यार, राइट? क्योंकि अगर इतने सारे लोग मुझे मैसेजेस करेंगे तो मैं किस किस को रिप्लाई करूँगा। तो ये मैं जनरली इसीलिए मैंने वीडियो बनाई कि भैया ये सब मत कीजिए, कल को अगर मैं आपको नहीं बताऊँगा तो क्या आप इसी तरीके से पैसा वेस्ट करेंगे? आप मत कीजिए, लॉजिक बनाइए, बिना लॉजिक के एंट्री मत लीजिए। और यहाँ पर कुछ न्यूज़ को फॉलो कीजिए, अब जो न्यूज़ चल रही है न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रही है और मेरे हिसाब से मार्केट और गिर सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कल से ही गिर जाएगी, हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर आए और वापस नीचे जाए, क्योंकि जिस तरीके के मुझे ग्लोबल इश्यूज़ दिख रहे हैं, जिस तरीके की मुझे मार्केट नज़र आ रही है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की या बाकी मार्केट्स नज़र आ रही, तो मुझे क्लियरली यहाँ से दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से और भी नीचे जा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि करना क्या है मेरे इस एक अलर्ट मैसेज से जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर अभी भी आपको कुछ करना है तो आप बिल्कुल आप जो है फ्री हैं, आप कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से मैं तो यही कहूँगा कि आज के दिन को अवॉइड कीजिए या फिर सेफली प्ले कीजिए, या एटलीस्ट मार्केट को टाइम दीजिए थोड़ा सा सेटल्ड होने का। उसके बाद जब आपको लगे कि मेरा 10 से 15 रुपये का एसएल जो है वो कहीं ना कहीं सर्वाइव मार्केट में कर सकता है, मार्केट को टक्कर दे सकता है हिट करने से पहले, तो तब मार्केट में आप घुसिए। और ज़्यादा स्टॉप लॉस लेने की नीड नहीं है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे तो कोई आप जो है डूब जाएंगे या बर्बाद हो जाएंगे। और सेफ़ प्ले कीजिए, पैसा मत गवाइए, बहुत हार्ड अर्न मनी है, राइट? और हो सकता है शेयर मार्केट से आप बहुत इजीली पैसा कमा सकते हों, मगर जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो वो इजीली से कमाया हुआ नहीं होता, वो बहुत हार्ड अर्न मनी होती है, बहुत मुश्किल से कमाया होता है, राइट? तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और आज है होली, तो विश यू हैप्पी होली टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स, राइट? और सेफली प्ले कीजिए, राइट? और सेफ़ रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।